लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां लगातार एक्शन मोड में हैं और एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और मोदी सरकार ने संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। धमकी, ब्लैकमेल और लालच से विपक्ष दलों में फूट डालकर उन्हें तोड़फोड़ किया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज इंडिया ब्लॉक की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और महाराष्ट्र सरकार पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, वो जो कहते हैं वही होता है, लेकिन इस बार इलेक्शन में ये नहीं होगा। ये जनता की लड़ाई खुद जनता बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। आप भी सुनिए। ये जो विश्वासघात की पॉलिटिक्स चल रही है और मोदी सरकार ने संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, धमकी, ब्लैकमेल और लालच से विपक्ष दलों में फूट डालकर उन्हें तोड़फोड़ किया जा रहा है। ऊपर से अन्याय ये हुआ है कि जो असली दल है उनसे उनका पार्टी सिंबल छीन कर भाजपा को समर्थन करने वाले दलों को दिया गया। यानी आप बोलेंगे तो ये कोर्ट का फैसला है, सीईसी का फैसला है, सब चीजें मोदी जी के इशारे पे चलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, वो जो कहते हैं वही होता है, लेकिन इस बार इलेक्शन में वो नहीं होगा। ये जनता की लड़ाई खुद जनता लड़ रही है उनके खिलाफ, और इस लड़ाई में जनता जीतेगी और इनके जो कारनामे हैं उसके ऊपर अभी लोग बहुत नाराज हैं, और यहां तक कि डेमोक्रेसी की बात बार बार वो करते हैं लेकिन डेमोक्रेसी के तहत नहीं चलते। मैं सुना यहाँ पर कॉरपोरेशन के इलेक्शन भी 2 साल से नहीं हुए, यही डेमोक्रेसी है मोदी जी की। तो ऐसे कई चीज उन्होंने यहाँ पर महाराष्ट्र में नहीं हर जगह ये काम किए हैं, और उनकी तोड़फोड़ नीति सिर्फ महाराष्ट्र तक ही नहीं, पहले उसका वार हुआ कर्नाटक पर, उससे पहले वार हुआ मणिपुर में, गोवा में, और हमारे मध्य प्रदेश में, हर जगह वो गुजरात में भी वैसा ही कर दिए। हालांकि उनको हमको बहुत मार्जिनल फर्क था, लेकिन वहां भी तोड़फोड़ करके अपना काम उन्होंने कर लिया। तो ये उनकी एक नीति है, तो उसके खिलाफ हम लोग गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं मजबूती के साथ, और महाराष्ट्र में तो बहुत ही मजबूत है। मैं समझता हूँ 48 में सीट, यहाँ पर 48 सीट में कम से कम हमको 46 तक मिलेंगे, ऐसी एक हवा है, और जनता खुद बोल रही है। इस बार मैं ये नहीं कहूंगा कि वो जीरो पे रहेंगे, कुछ ना कुछ उनको मिलेगा जो बागी लोग हैं, लेकिन हमारी जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो मैक्सिमम सीट लेकर वो बीजेपी को हराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।